इनकम वाले लोगों को टैक्स देना पड़ता है और कितनी इनकम वाले लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ता। यार अगर हमने इससे का स्टार्ट ले लिया तो आगे हमें पता नहीं क्या क्या फेस करना पड़ेगा। जी जी। वो लोग हमें किधर किधर घुमाएंगे, किधर से लेके जाएंगे, कोई रिश्वत मांगेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। टैक्स पेयर और फाइलर ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। अच्छा, डिफरेंट। जी जी बिल्कुल ठीक हो गया। हर बंदे ने टैक्स पे नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अमीन मलिक और आप देख रहे हैं वीमैक्स टीवी बिजनेस आइडियाज़। हमेशा हमारे व्यूवर्स रात जानते हैं कि वीमैक्स टीवी की हमेशा से कोशिश रही है कि जिस तरीके से भी ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों तक पहुँचाई जाए, वो हम लोग पहुँचाने की कोशिश करते हैं। बिज़नेस के हवाले से आपने हमारी बेतहाशा वीडियो देखी होंगी, बिज़नेस करने के तरीके देखे होंगे, लेकिन हमने ये सोचा कि क्यों ना अपनी पब्लिक को कुछ थोड़ी बहुत साथ साथ अवेयरनेस की वीडियोज़ भी साथ उनको दी जाएँ, उनको इन्फॉर्मेशन के मुतलक वीडियोज़ दी जाएँ, उनको आपको ऐसा नॉलेज के मुतलक बताया जाए जो कि आपकी ज़रूरत है ज़िंदगी में, आम घरों में रहते हुए आम इंसान की ज़िंदगी के अंदर जो जो मसाइल्स होते हैं, किस किस्म के मसाइल आपको आम रूटीन में फ़ेस करने पड़ते हैं, उनका हल क्या है और उनको किस तरीके से आप बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं, इस किस्म की सारी इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ वक्तन फ़वक्तन शेयर करते रहेंगे। मिसाल के तौर पर आजकल आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि फाइलर एक लफ्ज़ आपने सुना होगा, NTN का लफ्ज़ आपने सुना होगा, अमूमन TV पे मीडिया पे लोगों के अंदर बैठे हुए भी कि जी फाइलर हो जाए, बैंक के अंदर अपना वो डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएं, वहाँ पर लोग कुछ भी करना चाहते तो आपको फाइलर होना पड़ेगा, उसके साथ आपको ये फ़ायदे होंगे, उसके साथ आपको ये नुकसान होंगे। ये फाइलर क्या होता है, NTN क्या होता है, टैक्स क्या चीज़ होती है, कौन लोग हैं जिन्होंने टैक्स पे करना होता है और वो कौन सी हमारी पॉपुलेशन है, कौन सी आबादी है, वो हमारे कौन से लोग हैं जिनका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो लोग खाम खाम के अंदर परेशान रहते हैं, ऐसी कौन कौन सी आबादी है, कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन सा तबका है, कारोबारी तबका कौन सा है जिनको टैक्स के अंदर आना चाहिए और उससे क्या क्या फ़ायदे उठा सकते हैं, और उस ना जमा करवाने की सूरत में या ना फाइलर होने की सूरत में उनको क्या क्या नुकसान होंगे, NTN और फाइलर में क्या डिफरेंट है, ये भी सारी आपके साथ डिटेल से हम लोग गुफ्तगू करेंगे। और इस किस्म के बहुत से मसाइल जो कि लीगली होते हैं, जिनका ताल्लुक कानून के साथ होता है, वो सारे के सारे आपके साथ वक्तन फवक्तन हम लोग शेयर करते रहेंगे। आज का हमारा मौजू जो सा है वो फाइलर और नॉन फाइलर, NTN नंबर, NTN क्या होता है, और आज हमारे साथ लीगल एडवाइज़र हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि कानून दान ही हैं, कानून को समझने वाले लोग हैं, एक बहुत बड़े अदारे से उनका ताल्लुक है। जनाब ज़ुहैब अहमद पाशा साहब हमारे साथ होंगे, MMA LLB और साथ हाई कोर्ट के लाइसेंस होल्डर है, वहीं पर इनकी प्रैक्टिस चलती है, बेसिकली ये इन्हीं चीज़ों को डील करते हैं। हमारी आज स्पेशल रिक्वेस्ट पे हमने इनसे टाइम लिया है कि बहुत ही आसान और सादा ज़ुबान के अंदर हमारी पब्लिक को ये बताया जाए कि ये फाइलर क्या होता है, NTN क्या होता है, और कौन किन लोगों को इससे डरना चाहिए और किन लोगों को नहीं डरना चाहिए, आप लोग बेगम हो जाएं, कौन सी आबादी है, वो कौन से लोग हैं, कितनी इनकम वाले लोग हैं जिनका इसके साथ ताल्लुक है और जिनका इसके साथ ताल्लुक नहीं है। तो आइए प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं और साथ साथ इंशाल्लाह इनसे गुफ्तगू भी करते रहेंगे और आपको नई से नई इन्फॉर्मेशन देने की भी कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ज़ुहैब भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान दुआएं। सर आपको सबसे पहले वीमैक्स टीवी पे वेलकम कहते हैं। जी थैंक यू सो मच। जी थैंक यू, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ज़ुहैब भाई, हमारी पब्लिक के अंदर जैसे अभी आपने सुना ही है मेरा सवाल कि बड़ी उनको परेशानी है। जी जी। कि यार ये फाइलर क्या चीज़ होता है। जी जी। मुझे भी जब तक इसकी डिटेल का नहीं पता था, मैं खुद भी परेशान था कि ये फाइलर क्या चीज़ होती है, क्यों बार बार इसके ऊपर ऐड चलाए जा रहे हैं कि जी फाइलर हो जाएं, फाइलर हो जाएं, आपके ये काम आसान हो जाएगा, ये काम मुश्किल हो जाएंगे, तो थोड़ा हमारी पब्लिक को आसान जुबान के अंदर बताएं ये NTN, फाइलर या टैक्स के मुतलका जो चीज़ें होती हैं ये बेसिकली हैं क्या चीज़ें। जी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सबसे पहले आपका क्वेश्चन ये था कि जी फाइलर क्या चीज़ है। जी जी। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक फाइलर और एक नॉन फाइलर। फाइलर हजरात वो हैं जो एक फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जिसको हम इनका जो है सरकारी अदारा जो कि रेवेन्यू इकट्ठा करता है, टैक्सेशन टैक्स एम्प्लाई इनका जो है कहते हैं, अगर गवर्नमेंट कोई टैक्स इनका जो है इंप्लीमेंट करती है तो उसको जो इकट्ठा करते हैं वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जिसको हम FBR कहते हैं, वो अदारा। अगर कोई पर्सन उसके अंदर, कोई बंदा, कोई बिजनेसमैन, कोई सैलरी पर्सन उसके अंदर रजिस्टर्ड है, ठीक है, और बाकायदगी के साथ अपने FBR के अंदर, FBR की इनका जो है कहते हैं अदारे में वो उसकी रजिस्ट्रेशन है और बाकायदगी के साथ वो अपनी जो एनुअल रिटर्न है इनकम के ऊपर वो फाइल कर रहा है, तो उसको हम लोग फाइलर कहते हैं। यानी कि जो प्रॉपर हर साल टैक्स पे करता है। जी जी। वो हर साल टैक्स पेयर है, टैक्स पेयर
और फाइलर, ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। अच्छा, डिफरेंट। जी जी बिल्कुल ठीक हो गया। हर बंदे ने टैक्स पे नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी वो अपना टैक्स पे कर रहा है। कोई चीज़ आप प्रोडक्ट कोई खरीदते हैं मार्केट से, उसके ऊपर जनरल सेल टैक्स लगता है, उस वो आप ऑलरेडी पे कर चुके होते हैं। ठीक है, और आपने अपनी इनकम के ऊपर जो सालाना आपने एनुअल रिटर्न बनाकर बतानी है गवर्नमेंट को कि जी मैंने इतने साल एक साल के अंदर मैंने इतनी कमाई की, इतना मेरा मंथली इनकम जो सा खर्चा था और इतनी मैंने कमाई की, और मैं अगर कोई बिजनेस कर रहा हूँ तो मैंने इतना कमाया, इतना मैंने सैलरीज दे दी और ये चीज़ें मेरे पास पीछे बच गई। वो जो आपने डिक्लेयर करना है अपने आप को, इसको हम लोग कहते हैं फाइलर पर्सन, और इनका जो सा जो FBR में रजिस्टर्ड हो गया। अच्छा, उसके बाद आपने कहा कि जी NTN क्या है। ठीक है, NTN नेशनल टैक्स नंबर है, जो कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो बंदा रजिस्टर होता है उसके साथ उसको अप्लाई उसको इनको जो सा कहते हैं वो देते हैं। वो आपका ID कार्ड नंबर जो CNIC नंबर है, ठीक है ना, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान के शहरी हैं उनका, वही NTN नंबर है आजकल। ठीक है, उसी को ही फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने NTN नंबर इनका जो उसने बना दिया, यानी कि जो हमारा शनाती कार्ड नंबर है वही हमारा NTN नंबर है। जी बिल्कुल, ऐसे ही नेशनल टैक्स, नेशनल टैक्स नंबर जिसको हम कहते हैं NTN शॉर्ट फॉर्म, और नेशनल टैक्स नंबर इसकी फुल फॉर्म आ गई। ठीक है, उसके बाद टैक्स पेयर कौन लोग हैं। ठीक है, टैक्स पेयर वो लोग हैं जो अपनी इनकम के ऊपर जो टैक्स सालाना उनकी इनकम के ऊपर बनता है और वो पेड करते हैं, वो टैक्स पेयर हैं। ठीक हो गया, उसके बाद आ गई बात नॉन फाइलर की। जो मैंने वर्ड पहले बोला कि नॉन फाइलर और नॉन फाइलर, फाइलर वो लोग हैं जो अपना एनुअल रिटर्न अपनी एनुअल रिटर्न्स बकायदगी के साथ जमा करवा रहे हैं हर साल, और नॉन फाइलर वो लोग हैं जो रजिस्टर्ड तो हैं लेकिन वो जमा नहीं करवा रहे। ये दोनों चीजें इनके जो सुना आपके सामने क्लियर हो गई। जी ठीक हो गया। नेक्स्ट, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि फाइलर वो लोग हैं जो कि अपने जो उनके पास जितना भी उन्होंने साल में पैसे कमाए हैं, जी जी, चाहे वो जॉब होल्डर है चाहे बिजनेसमैन है, जी जी, उसका वो सारा हिसाब किताब गवर्नमेंट को देने, एसेट्स डिक्लेयर कर दिए उसने के साथ। 10,000 सैलरी है मेरी और मैंने एक साल के अंदर 1,20,000 रुपए कमाया, जी जी बिल्कुल, और इसमें से मैंने 50,000 यहाँ खर्च किया, 10,000 यहाँ खर्च किया, 20,000 यहाँ खर्च किया, और ये मेरे पास साल के बाद बचा है, बिल्कुल, वो लोग फाइलर फाइलर हो गए। उन्होंने बाकायदगी के साथ अपनी एनुअल रिटर्न जमा करवा दिया, गवर्नमेंट को बता दिया कि मेरे पास ये एसेट्स हैं, ये मेरे पास चीजें मौजूद हैं, जो मेरे पास हाउस होल्डिंग चीजें हैं, मेरे पास बाइक्स हैं, मेरे पास ज्वेलरी पड़ी हुई है, मेरे पास प्रॉपर्टी है कोई, उन्होंने जो डिक्लेयर कर दिया वो फाइलर, और जिन्होंने नहीं बताया, जिन्होंने छुपाया हुआ, वो नॉन फाइलर हैं। जी सिंपली। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आम पब्लिक के अंदर, जी जी, जैसे आम तबका है हमारा, कोई जॉब होल्डर लोग भी हैं, वाइट कॉलर लोग भी हैं, चाहे कोई मजदूरी करने वाले लोग भी हैं, ये टैक्स पे वो कौन सा यानी कि तबका होगा जिसको ये फाइलर बनना जरूरी है। अच्छा, सबसे पहले तो बिजनेसमैन के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि उसका बिजनेस इनके जो सन कहते हैं वो अपना पाकिस्तान में बिजनेस रन कर रहा है, उसमें बहुत सी लाइबिलिटीज़ आ जाती हैं बिजनेसमैन के लिए कि वो अपने इनके जो सन अपने आप को फाइलर इनके जो सन टैक्स इनके नेट में लेकर आए। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले एवरी सिटीज़न, हर पाकिस्तान का हर शहरी, वो लाजिम इनका जो सन अपने आप को रजिस्टर करवाए, इससे घबराने वाली कोई बात नहीं। फ़ायदा नुकसान वो बात की बात है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन होना सबकी ज़रूरी है। अगर एक कोई बंदा बच्चा 18 साल का हो जाता है तो उसके बाद उसको रजिस्टर करवाना लाजमी है और ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको बहुत से बेनिफिट्स मिलते हैं। गवर्नमेंट्स टाइम टू टाइम डिफरेंट स्कीम्स लॉन्च करती है जिसमें आपको एक अच्छे इनका जो सर सबसे पहले तो आप ये कह लें कि अच्छे शहरी को ज़रूरी है कि वो अपनी जो लॉ इन्फोर्समेंट जितनी भी लॉज हैं गवर्नमेंट के उनको इनका जो सर वो कहते हैं पूरे तरीके से फॉलोअप करें, जिसमें सबसे पहले अब लोग आपने सुना होगा कि आजकल गवर्नमेंट इनका जो सर ऐलान कर रही है कि जी टैक्स नहीं पे लोग टैक्स नहीं पे करते लोग टैक्स नहीं पे करते, तो जितने ज़्यादा लोग अपने आप को डिक्लेयर कर लेंगे उतना ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, और एक सैलरी पर्सन और एक बिजनेसमैन, इन दोनों के लिए ज़रूरी है कि वो इनके जो FBR में अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, अपना नेशनल टैक्स नंबर लाजमी लें, लाजमी लें। जी, ये जो बिजनेसमैन का आपने बताया कि उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्या बिजनेस की कोई कैटेगरी भी है। जी, बिजनेस के अंदर तो एक छोटा सा फ्रूट फरोश भी आ जाता है। जी जी, बिजनेस के अंदर एक इंडस्ट्रियल भी आ जाता है। जी जी, वो इनकम ऑफ सोर्स, इनकम ऑफ कितनी की इनकम होगी उसकी, तो वो उसको यानी कि इसके अंदर टैक्स पे करना पड़ता है। जी जी, कि अगर एक बंदा महीने का 20,000 या 50,000 कमा रहा है, या कोई बंदा लाख कमा रहा है, कोई बंदा 10 लाख रुपए कमा रहा है, ये थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं कि कितनी इनकम वाले लोगों को टैक्स देना पड़ता है और कितनी इनकम वाले लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ता। जी जी ठीक है, इसमें हर साल जो गवर्नमेंट जो पाकिस्तान है
वो हर साल फाइनेंस एक्ट बिल इनका जो सर कहते पेश करती है हर बजट में, ठीक है, उसके अंदर ये डिक्लेयर किया जाता है, ये इनका जो सर डिसाइड किया जाता है, इसका फैसला उस बिल में किया जाता है कि कितने सैलरी पर्सन लोग कितने परसेंट सैलरी होगी उसके ऊपर टैक्स कितना बनेगा और कितने परसेंट इनका जो सर बिजनेस से इनकम होगी उसके ऊपर कितना इनका जो सर टैक्स बनेगा। और फॉर द शॉर्ट टाइम इनके जो सर आसानी के लिए मैं आपको ये बता दूं कि आजकल जो चल रहा है जो करंट रेट इनके जो सर बिजनेस का, जी बिल्कुल, उसमें 4 लाख अगर बिजनेसमैन की इनकम है तो सालाना जी ठीक है 4 लाख प्रॉफिट या उसकी 4 लाख जो इनकम है ईच एंड एवरीथिंग डिक्लेयर करने के बाद सैलरीज उसने निकाल दी एम्प्लॉयज की उसने अपने निकाल दी बचत जो बची गई उसके पास जो इनकम उसकी आ गई जिसको इनकम कहते हैं कि जी ये मेरी आमदन हुई ठीक है वो 4 लाख से अगर ज्यादा है तो फिर उसको डिक्लेयर रेट के मुताबिक जो गवर्नमेंट ने तय किया है फाइनेंस बिल एक्ट में ठीक है उसके मुताबिक उसको टैक्स पे करना है। अगर वो 4 लाख से कम है तो उसमें इनके जो सर कहते हैं वो टैक्स से एग्जम्पशन है उस पर। सैलरीड पर्सन में 6 लाख है और बिजनेसमैन के लिए वो 4 लाख। अगर सैलरी पर्सन 6 लाख की सैलरी अर्न कर रहा है किसी जगह से 6 लाख से ज़्यादा सैलरी ले रहा है तो फिर वो टैक्स इनके जो सर अपना पे करेगा वो डिक्लेयर रेट के मुताबिक जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर जी बिल्कुल करंट रेट चल रहा होगा गवर्नमेंट का ठीक है। उसके बाद फीमेल्स आ जाती हैं, फीमेल अगर कोई घर में बैठी हुई खवातीन जो बिजनेस कर रही हैं आजकल आपको पता है ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा बिजनेस हो रहे हैं ठीक है तो अगर वो कोई बिजनेस कर रही हैं तो उनके लिए मैंने पहले बताया बिजनेसमैन 4 लाख हवा तीन की बिजनेस के लिए 6 लाख ये एग्जम्पशन है कि वो 6 लाख तक अगर अर्निंग कर रही हैं ठीक है तो उसके ऊपर अगर वो जाती हैं 6 लाख से ज़्यादा कमाते हैं ठीक है ना हवा तीन के लिए फीमेल्स के लिए तो उसके ऊपर डिक्लेयर रेट के मुताबिक इनको जो उसने टैक्स चार्ज किया जाएगा उनसे टैक्स उनसे चार्ज किया जाएगा। ये 6 लाख या 4 लाख मैं एक बार फिर आपसे दोबारा पूछ लूं कि ये वो रकम है जो कि उसने अपने तमाम अखराजात निकालने के बाद जो उसके पास बचत बची जी बिल्कुल, बिल्कुल जो उसकी इनकम उसको जी बिल्कुल जी साल के बाद जी साल जी सालाना जी पूरी पूरे साल बिल्कुल यानी कि मंथली इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है मंथली नहीं साल का हिसाब है। साल के बाद अगर फीमेल बिजनेसमैन 6 लाख से ऊपर बचाती हैं तो फिर उनके ऊपर टैक्स लगता है बिल्कुल ऐसे ही। अगर उससे कम उसने बचाया तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता नहीं लगता। और मेल जो है वो बिजनेसमैन अगर 4 लाख से ऊपर कमाते हैं जी जी तो फिर उनको टैक्स पे करना पड़ेगा करंट रेशियो के मुताबिक जो भी उस वक्त गवर्नमेंट का चल रहा होता है। वो वैसे कितना का होता है वो आपका हर 1 लाख के ऊपर इनका जो सर इंक्रीज़ होता है ठीक है। जैसे 1 लाख आपने इनका जो सर 5 लाख रुपये आपने कमाया है 1 लाख के ऊपर उन्होंने 10% रेट रख दिया है 5% रख दिया है तो 10% होगा तो 10,000 रुपया 5% होगा तो 5,000 अगर 1% होगा तो 1,000 रुपया लाख के ऊपर ये इनका जो सर उसका डिक्लेयर रेट है डिक्लेयर रेट जी जी। इसी तरह सैलरी परसेंट का भी अगर किसी बंदे की सैलरी ही मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपये सैलरी है या 50,000 रुपये सैलरी है किसी भी आम बंदे की नॉर्मल तबके की उसने पूरे साल का हिसाब लगाना है और उसमें से तमाम अखराजात निकाल के बच्चों की फीसें किराए खाना पीना सब कुछ निकालने के बाद उसके पास जो रकम बच जाएगी नहीं नहीं बिल्कुल उस पर पड़ेगा जो सैलरी उसने अर्न की है जो उसने अदारे से पैसे अर्न किए हैं किसी अदारे में वो काम कर रहा है 1 लाख रुपए सालिया मिसाल के तौर पे उसके महाना अगर 1 लाख रुपए सैलरी है तो वो सालाना 12 लाख रुपए 12 लाख ठीक है कमा लिया 6 लाख रुपए के ऊपर एग्जम्पशन है उसमें सब कुछ इंक्लूड है सैलरी पर्सन के लिए कि जी वो उस सैलरी में से 1 लाख में अगर उसकी महाना सैलरी है उसमें वो फीसें दे रहा है जो मर्जी कर रहा है लेकिन वो कमा 1 लाख रुपया रहा है उसकी इनकम 1 लाख है ठीक है तो वो सालाना 12 लाख बन गई तो उसको ऊपर वाले 6 लाख के लिए जो सा है वो टैक्स पे करना पड़ेगा यानी कि 6 लाख तक की छूट है 6 लाख से ऊपर जो रकम आएगी वो उसके ऊपर उसको टैक्स पे करना पड़ेगा सैलरी पर्सन के उसके 12 का 12 खर्च हो गया हो 12 का 12 खर्च हो गया हो लेकिन उसको डिक्लेयर करना है कि जी मैंने इतने कमाए क्योंकि कुछ अदारे हमारे ऐसे हैं कुछ नहीं मोस्टली अदारे जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जैसे गवर्नमेंट अदारे हैं वो ऑलरेडी टैक्स डिडक्ट करके तो सैलरीज इनके जो उसने अकाउंट में भेजती हैं तो उसका ऑलरेडी जो टैक्स होता है वो डिडक्ट हो गया होता है पहले ही कट चुका होता है जी बिल्कुल ऐसे ही सही। नहीं जी नाज़रीन हमने कोशिश तो की है कि बहुत सारे सवाल बहुत ही आसान ज़ुबान में आप लोगों तक पहुंचाया जाए बड़ी ही इजी ज़ुबान के अंदर आपको समझाया जाए कि ये टैक्स क्या चीज़ होता है फाइलर नॉन फाइलर क्या कौन लोग होते हैं। अभी चंद एक सवाल तो और जो है भाई से करते हैं कि अगर कोई शख्स इसमें NTN के अंदर या फाइलर नॉन फाइलर के अंदर आना चाहता है नॉन फाइलर तो नहीं फाइलर बनना चाह रहा है उसका प्रोसीजर क्या होना चाहिए कितने टाइम उसके ऊपर लगेगा और उसका तरीक़ेकार क्या है। ये NTN के अंदर कोई बंदा जाना चाहता है टैक्स नंबर लेना चाह रहा है या कोई फाइलर होना चाह रहा है जी जी तो ये गवर्नमेंट खुद करती है ज़बरदस्ती या हमें खुद जाके करवाना पड़ेगा। नहीं ये आपकी इनका जो सर कहते हैं लाइबिलिटी है कुछ गवर्नमेंट इनका जो सर कुछ गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ें
सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के शहरियों के ऊपर भी छोड़ी हुई है कि वो उनको अपनी लाइबिलिटीज़ को, अपनी ड्यूटीज़ को वो पूरा करें। अगर हम लोग राइट लेना जानते हैं तो हमारे भी कुछ राइट्स बनते हैं कि हम इनको जो है ना गवर्नमेंट के साथ कॉर्पोरेट करें, ठीक है। अब किसी शहरी को, किसी इनको जो है ना बिजनेसमैन को, किसी स्टैंडर्ड पर्सन को अगर NTN बनवाना है, अपना नेशनल टैक्स नंबर लेना है, ठीक है, तो उसके लिए कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं गवर्नमेंट ने रखा हुआ, बड़ा आसान सा एक तरीकाकार है। ऑनलाइन इनको जो है ना कहते हैं उसकी रजिस्ट्रेशन होती है, ठीक है, वो आपकी उसी टाइम आपको कुछ चंद डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसके बाद आपकी उसी टाइम रजिस्ट्रेशन आपको नेशनल टैक्स नंबर इशू कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद होता है कि आपने एनुअल टैक्स रिटर्न इनकम जो है अपनी टैक्स रिटर्न जिसको कहते हैं, जिसने जिस पे आपने इनकम टैक्स रिटर्न जिसको आपने वर्ड सुना होगा काफ़ी ज़्यादा, कि वो आपने फाइल करनी होती है, ठीक है। तो जो रजिस्ट्रेशन के लिए हमें सबसे पहले हमारा ID कार्ड चाहिए, ID कार्ड नंबर, सिटीजन इनकम जो है कहते हैं 18 साल से ज़्यादा एज होनी चाहिए उसके लिए, नंबर वन शनाती कार्ड बनाओ, ठीक है। नंबर टू हमें रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चाहिए, जीमेल अकाउंट चाहिए, उसके ऊपर आपके SMS कोड इनके जो है ना पासवर्ड जाते हैं, ठीक है। नंबर थ्री फॉर आपको इनके जो है ना कहते हैं अगर आपकी प्रॉपर्टी आप ओनर हैं या किसी जगह पर टेनेंट हैं या किराएदार हैं या मालिक हैं प्रॉपर्टी के, आपको वो चीज़ें चाहिए। आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस प्रूफ ऑफ बिजनेस चाहिए आपको, जी मेरा ये बिजनेस है, लेटर पैड जिसका जिसको कह लें या विजिटिंग कार्ड्स कह लें, ठीक है। उसके बाद बिजनेस प्रीमिसेस के रेंट डीड है, अगर आप किराए पे हैं तो रेंट डीड, अगर आप इनके जो है ना कहते हैं आपका जाती जगह है तो उसके इनके जो है ना कहते हैं प्रूफ ऑफ ऑनर, उसके बाद आपकी प्रीमिसेस की तस्वीरें और ये डेट सर्टिफिकेट इनके जो है ना ये चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं, जिसमें आपका एड्रेस वगैरह आ जाएगा और नाम और ईच एंड एवरीथिंग इनका जो है ना उसी टाइम आपको नेशनल टैक्स नंबर इशू हो जाएगा। अच्छा सुहेब भाई, माजरत के साथ हमारे जो मुल्की हालात होते हैं ना, अमूमन हम लोग सुनते रहते हैं कि एक तो हर अदारा करप्शन की जद में होता है। जी जी, हमारी बहुत सारी पब्लिक जो है ना वो इन चीज़ों से भी घबराती है कि यार अगर हमने इस का स्टार्ट ले लिया तो आगे हमें पता नहीं क्या क्या फेस करना पड़ेगा। जी जी, वो लोग हमें किधर किधर घुमाएंगे, किधर से लेके जाएंगे, कोई रिश्वत मांगेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। क्या क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसका कोई आसान वे कर दिया कि सेंटर मैन ख़त्म हो जाए, कोई कंप्यूटराइज सिस्टम है कि पब्लिक आसानी से उसको ले ले? जी जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे कुछ प्रोफेशनल हजरात भी हैं, कुछ इनके जो है ना ब्लैक शिप्स भी हैं जिनको काली भेड़े भी कहा जाता है, वो हर जगह पे पाई जाती हैं, ठीक है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बड़ा आसान तरीका कार्य निकाल दिया कि जी आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लें, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपकी हो जाती है, उस पर कोई पैसा नहीं लगते, ठीक है, उसके लिए कोई आपका खर्चा नहीं है, ठीक है। आपको जस्ट खाली ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स देने हैं, उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई। दूसरे नंबर पर आपकी चीज़ आ जाती है कि आपने एनुअल टैक्स रिटर्न अपनी जमा करवानी। एनुअल टैक्स रिटर्न के लिए मैं आपको ये इनके जो है ना कहूँगा, कारोबारी हजरात हैं या सैलरीड पर्सन है तो उसने अगर लेट्स सपोज साल के बाद अपनी एनुअल रिटर्न जमा करवानी है तो उसकी फीस लेट्स सपोज कोई कुछ मार्केट में लोग बैठे हुए हैं कुछ हजरात, वो अपने अपनी सेंस के मुताबिक, अपनी सोच और अपनी प्रैक्टिस के मुताबिक, अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक चार्ज करते हैं, कोई 10,000 चार्ज कर रहा है, कोई 20,000 चार्ज कर रहा है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इसको इनका जो है ना थ्रेश आउट करें, सर्च आउट करें, ठीक है, कि कौन लोग, कौन ऐसे हजरात हैं, कौन ऐसे लोग हैं जो कि प्रोफेशनली इसको चीज़ को कर रहे हैं और इतना ज़्यादा चार्ज नहीं कर रहे उसको, ठीक है। आपको एक नॉर्मल पर्सन को मिलता है और वो आपकी इनके जो है सैलरी के ऊपर आपके एनुअल टैक्स रिटर्न जमा करवा देता है, अगर कुछ पैसे आपसे ले लेता है, तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ बेहतर है और आपको एक इनके जो है ना अच्छा मशवरा देने वाला अगर कोई बंदा मिल जाए मार्केट में, ठीक है, या आपका कोई हो सकता। आजकल तो आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा लोग इनके जो है ना कहते हैं अपने रिश्तेदारों को प्रेफरेंस करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं कि जी मेरा ये रिलेटिव है तो आप उससे इनके जो है ना ये चीज़ करवा लें, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये एक इंडिविजुअल अपने तौर पर भी कर सकता है, लेकिन उसको ज़रूरी है कि वो किसी प्रोफेशनल की राय ले लें इसमें, ठीक है। तो ये इनके जो सुना कहते हैं प्रोसीजर है इसका सिर्फ आगे। जुहेब भाई, इस वक्त आपको पूरी दुनिया देख रही है, पूरा पाकिस्तान देख रहा है, आपके साथ प्रोग्राम करने का हमारा मकसद भी यही था कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए, उनको आसान से आसान वे बताया जाए। अगर हमारा कोई भी कारोबारी बहन भाई जो कि बिजनेस कर रहे हैं वो इस बात को समझते भी हैं कि आज नहीं तो कल तो उनको इस चीज प्रोसीजर से गुजरना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। जी जी बिल्कुल, आपका अदारा उनको हेल्प आउट कर सकता है। वैसे आपका नंबर हमने नीचे स्लाइड पर चला दिया है, उनको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, अगर कोई जुहेब भाई से रब्ता करना चाहे तो आपका दारा उनकी क्या हेल्प आउट कर सकता है? देखें जी, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पे इनके जो सना कहते हैं लोगों की जो सोच है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको एक वाजिया भी करना चाहूँगा और पैगाम भी देना चाहूँगा कि जी लोगों की जो सोच है वो ये है कि जी मैं अगर ये काम कर रहा हूँ और मेरे साथ आके बैठ के सेम कोई काम दूसरा करने लग गया तो जी वो मेरी इनके जो सना कहते हैं जो कमाई है उसमें फ़र्क पड़ गया। मैं सबसे पहले ये चीज़ कहूँगा, ये चीज़ एक्सप्लेन करूँगा कि राज़िक अल्लाह ताला की ज़ात है, उसने वादा किया है रिज़क देने का, ठीक है। तो जैसे आपने ये चीज़ बात की कि जी कि मैं उसकी हेल्प आउट करूँगा, जी बिल्कुल हेल्प आउट करूँगा, हेल्प आउट के लिए ही यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद हूँ, आपका इनके जो सना आपको टाइम दे रहा हूँ हेल्प आउट करने के लिए ही, लोगों को अवेयरनेस देने के लिए, ठीक है। इसमें मेरा इनके जो सना कहते हैं आप ये देखें रोल ये है कि मैं गवर्नमेंट के साथ भी इनके जो सना कॉर्पोरेट कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट का ही काम है, ठीक है ना, अवेयर करना, लेकिन चलें
इनके जो है गवर्नमेंट के पास और मजीद बड़ी जिम्मेदारियां हैं, तो अगर मैं इस चीज़ को अवेयर कर रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं उनकी हेल्प आउट के लिए ही उनको बता रहा हूँ। इसमें कोई चीज़ किसी को कोई मदद चाहिए, ठीक है, अगर वो खुद भी करना चाहता है, एनुअल टैक्स रिटर्न अपनी खुद भी फाइल करना चाहता है, तो वाई नॉट, वो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, ठीक है, जो आपने मेरा नंबर दिया उसके ऊपर मुझे कॉन्टैक्ट करें और इनके जो है मेरे से जिस किस्म की भी राय लेनी है वो लें। इन्फॉर्मेशन फ्री होगी हमारी? जी जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, इन्फॉर्मेशन फ्री होगी। वकीलों नाल ते गल करन दा भी पैसा लग गया मेरे वरना ये जी सुहेल साहब का बड़ा पान है जिनकी कंपनी का, इनके अदारे का, कि हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट पे उन्होंने टाइम निकाला है, ये एक पब्लिक अवेयरनेस के मतलब का प्रोग्राम है। आप लोगों को किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो टैक्स के मतलब का, फाइलर नॉन फाइलर के मतलब का, या अदरवाइज कोई भी लीगल इन्फॉर्मेशन अगर आप लेना चाहें तो आप सुहेल भाई और उनके अदारे के साथ रब्ता कर सकते हैं। हमारी कोशिश होगी वक्तन फवक्तन आपके साथ इस किस्म के मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम जो उनसे ना आपके साथ शेयर करते रहें, ताकि आने वाले वक्त में आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। आपको किस किस्म का प्रोग्राम देखना चाहते हैं, आपको किस किस्म का मसाइल का सामना हो रहा है आम रूटीन ज़िंदगी के अंदर, कोई कारोबारी हजरात हैं आपस में उनका लेन देन का मामला होते हैं, उनको लीगल किस तरीके से करवाया जा सकता है, कारोबारी शराकत किस तरीके से की जा सकती है, लोगों के घरों के मसाइल हैं, जायदाद के मसाइल हैं, उसके अलावा बच्चों के मसाइल हैं, लेडीज़ के अंदर जायदाद के अंदर हिस्से के मसाइल हैं, इसी तरह उनके निकाह नामे के मतलब हैं, तलाक नामे के मतलब हैं, अलहदगियाँ हैं, लड़ाई झगड़े, सौ किस्म के मसाइल हैं जो कि हमें आम ज़िंदगी में पेश आते हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम लोग वक्तन फवक्तन आपके साथ, ज़ुहेब भाई के साथ, आपको इन तमाम चीज़ों के बारे में अवेयरनेस देते रहें कि किस मामले को आपने कैसे हैंडल करना है, गवर्नमेंट इसके अंदर आपको क्या क्या सपोर्ट करती है, इस तरह के वकला हजरात हमें क्या क्या सपोर्ट कर सकते हैं, और एक अच्छा प्लेटफार्म आपको कहाँ पे मिल जाएगा, आपको एक वे दे दिया जाएगा, काम आप जहाँ से आपका दिल चाहे करवाएं, जिस सिटी में भी है वहाँ से भी करवाएं, आप इस अदारे से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, मुकम्मल रहनुमाई ले सकते हैं कानूनी तौर पे कि लीगली मामलात के अंदर कि आपने कौन कौन सा मामला कैसे तय करना है। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो और आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के प्रोग्राम मज़ीद देखने के लिए वीमैक्स टीवी को कर लें सब्सक्राइब और दोस्तों तक शेयर लाजमी किया करें, ताकि आपके साथ साथ उन लोगों को भी इस तरह की अच्छी और फ़ायदेमंद इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। आज के दिन के लिए मुझे और ज़ुहेब भाई को दें इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।